अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखिए, हम एमएस कॉलेज में और शोएब हम दोनों पहुंच गए हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है और किस किस को ट्रॉफ़ी मिलने वाली है, किसने अच्छी कुकिंग किए है, अच्छे अच्छे खाने किसने बनाया है। ये सब अभी जज आए हैं, वो लोग अपना देखेंगे। चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को। ये देखिए, हम लोग एमएस कॉलेज पहुंच गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर सारे खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। हम बहुत लेट पहुंचे, बहुत देर से शोएब आया, इसकी वजह से मैं जा नहीं पाई। मुझे मालूम होता तो मैं शोएब के पहले ही चले जाती, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। शोएब बोला था, नानी जी मैं आता हूँ, हम साथ में चलेंगे। ये देखिए, ये बिरयानी, बिरयानी तो इतनी किस्म की बिरयानी बनाए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैंने पहला जाकर सब जगह देखी, बिरयानी ही बिरयानी, ज़्यादा कोई चिकन टिक्का बिरयानी बना आया है तो कोई सादी बिरयानी बनाए हैं, सब बिरयानी ही ज़्यादा थी वहाँ पर। और पराठे हैं, देखिए अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्टॉल भी, यहाँ पर भी बिरयानी है, सलाद है। ये देखिए, यहाँ पर भी बिरयानी है, हलवा है। तो मैंने बोली, शोएब तू भी देख बेटा, तू भी, सब लोग देख रहे हैं, खा के थोड़ा थोड़ा सा तू भी खा ले। बता रहे, नहीं नानी जी अच्छा नहीं लगता। मैंने, नहीं बेटा ये सब इसीलिए बनाया गया है, या पैसे वगैरह थोड़े ही देना है। ये देखो, सिर्फ लेना है, थोड़ा सा खा के टेस्ट करना है कि ये कैसा बना है, कौन से स्टॉल का कैसा अच्छा बना है, किसने बनाया अच्छा, ऐसा ये सब चेक करने के लिए रखे हैं खाना। ऐसा थोड़ी थोड़ा थोड़ा डाल के सबको देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, चिकन फ्राई, खुरमा, चपाती, सब चीज़ थी। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ भी रोटियाँ थी, रोटियाँ, खुरमा बनाया हुआ था। और ये देखिए, यहाँ भी शायद वाइट बिरयानी ही है, शीख बिरयानी है, हर किस्म की बिरयानी ज़्यादा मुझे मिली। जहाँ भी मैं जा रही हूँ, देख रही हूँ, तो ज़्यादातर बिरयानी ही थी। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा भी लगा जाकर मुझे। लेकिन अभी किसका कितना बोलूँ कि किसका क्या क्या बना है, इस वजह से जितना दिख रहा है उतना बोलूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी बिरयानी है, बिरयानी है, सलाद है, कचुम्बर है। माशाल्लाह सलाद भी इतना सारा सारा, इतना अच्छा सजावट करके बच्चे लाए थे। सलाद का भी हर टेबल पे सलाद तो था ही, चाहे जो भी बनाइए। देखिए बच्चे खुशी से, मैंने, मेरे बच्चे लोग यूट्यूब पर जाएँगे आप लोग, तो बच्चे खुश हो रहे थे, हाँ आंटी ठीक है लो हमारा। ये देखिए, यहाँ नान है, नान, खुरमा, अरे चिकन फ्राई। ये देखिए, ये ग्रीन सालन और चावल है, ये भी देखा। ऐसा दे रहे थे कि लो और अपना आराम से खाओ, ऐसे खाने के लिए कोई वो नहीं है, आराम से खाते रहो। और कबाब भी बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पर भी शाही टुकड़ा है, बहुत से लोग ने शाही टुकड़ा बना कर लाए थे। ये देखिए, ये भी मिठाई है, शाही टुकड़ा। और ये ग्रीन सालन है, ये देखिए यहाँ पर भी, ये क्या है, ये भी शायद बिरयानी ही है, ज़्यादा वाली ना बिरयानी है। और कबाब है, ये देखिए ये कबाब है, कबाब, यहाँ पर कबाब भी है, हर किस्म के। अभी क्या कि पब्लिक ख़त्म हो गई थी और खाना भी इतना नहीं बचा था, तो सब जिन बच्चों ने लाए थे, स्टॉल लगाए थे, तो मैडम लोग बोले कि आप लोग भी खाओ, आप लोग भी ऐसे ही नहीं जाओ, आप लोग भी खाओ, तो सब बच्चे भी खा रहे थे। ये देखिए है हर जगह भी। ये देखिए, ये अलग किस्म की रोटी है। और ये देखिए, ये चिकन अंगारा है, चिकन अंगारा है, तंदूर की रोटी है। ये देखिए सलाद, देखिए कितना अच्छा सलाद सजाए हैं, सलाद भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, एक से एक चीज़ें बच्चे लाए। जलेबी, जलेबी भी बहुत टेबल पे थी। ये देखिए, ये यहाँ पर अभी ये जज चेक कर रहे हैं, मैंने नहीं ली, बस ऐसे ही नीचे से ही ली ताकि उन लोग के चेहरे ना आए। ये देखिए, वो देख रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, खीर है कोई, तो उसमें क्या है। ये लोगों ने बहुत सारा लाए थे, खीर बनी हुई है, खुरमा है, जलेबी है, चिकन फ्राई है, जूस है, और देखिए केक है, बहुत सारा लाए थे ये लोगों ने बना के। ये स्टॉल वाले बहुत लगाए थे। ये देखिए बहुत सारा, ये टेबल पे बहुत सजावट थी, बहुत सारा था एक साथ में। हर बच्चों ने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छी चीज़ बनाएं, अच्छे से अच्छा पकवान हो जाए, ताकि जज पहला उनका, उनको फर्स्ट प्राइज़ की हर किसी को रहती है कि भाई हाँ हमें मिले, हमें मिले। इस खुशी में बच्चों ने बहुत सारा बनाया। ये देखिए, ये पानी पूड़ी, ये पानी पूड़ी देखेंगे ना, पानी पूड़ी का ये बहुत अच्छा इन लोगों ने किए, बड़े इंजेक्शन है उसके अंदर। उन्होंने तेज पानी, एक में मीठा पानी, ऐसा सब उसमें रखे और चम्मच से अपना वटाना बटाटा डाल के वो इंजेक्शन के उससे डाल रहे थे, तो वो माशाल्लाह अच्छा लगा उनका तरीका। ये देखिए, ये भी यहाँ पर भी बिरयानी है, यहाँ पर भी क्या शाही टुकड़ा है। देखिए शाही टुकड़ा बहुत सारी जगह है।
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बच्चे सबको ले दे रहे थे, सर्व कर रहे थे, खाओ सब लोग, देखो देखो, लो आंटी, सब बच्चे आवाज़ दे रहे थे, हाँ खाओ लो। बहुत अच्छा लगा जाकर वहाँ पर, बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह MS कॉलेज में इतना अच्छा प्रोग्राम रखा गया है। ये देखिए, ये भी बिरयानी, शायद ये वाइट बिरयानी है, कचुम्बर है, और ये सेवई है, ये देखिए सेवई भी है, ये देखिए जलेबी है, वाइट चावल है, ये देखिए ये चिकन का सूखा है, और पूरी है माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पर भी जलेबी है, बहुत सारा, बहुत सारा है। मैं कितने नाम गिनाऊँ, इतना सारा है। मैंने इतना बड़ा वीडियो भी बनाई हूँ कि मैंने बोली कोई बाकी ना रहे, मैं सबका वीडियो बनाऊँगी। और ये देखिए बच्चों की पसंद वाली चीज़ है चाइनीज़ भेल, ये चाइनीज़ भेल भी बना कर लाए हैं। ये देखिए चाइनीज़ भेल भी है, ये देखिए ये भी खाओ, जो चीज़ जिसको खाना है का चाइनीज़ भेल है, मीठा है, हर चीज़ है। मैंने बोली ला भाई मैं भी तो थोड़ा थोड़ा चख लूँ, अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये बच्चों को मैंने बोली अरे बेटा तुम लोग यूट्यूब पे जाएंगे, तो बच्चे खुशी से खड़े हो गए, बोले हाँ हाँ आंटी लो ना क्यों नहीं। ये देखिए तंदूर की रोटी को कितनी अच्छी तरीके से सजाए हैं, ये देखिए ये चिकन खुरमा है, तंदूर की रोटी है, नान है, ये देखिए यहाँ पर भी जूस है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मैं तो बोलते बोलते गिनते गिनते थक गई कि अल्लाह कितना बनाए बच्चे लोग, कितना सारा लगाए हैं। एक नहीं दो नहीं चार लाइन टेबलों की लगी हुई थी, लंबी लंबी लाइन लगाए थे टेबल, वो दूर दूर तक। ये भी शाही टुकड़ा है, ये देखिए ये अलग तरीके, शाही टुकड़ा भी नहीं बोलेंगे तो पाँच छः जगह शाही टुकड़ा था। और बिरयानी तो बहुत है, आधे टेबल वाले तो सब बिरयानी ही लाए थे, अलग 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 किस्म की। टेस्ट तो सबका अलग अलग रहेगा क्योंकि सबके हाथ का जायका अलग अलग होता है, सबका खाने में अलग ही लगता है। ये देखिए कितना बड़ा ये हॉल है MS कॉलेज का। ये देखिए ये ट्रॉफ़ी है यहाँ पर, ये ट्रॉफ़ी सारे बच्चों को दिए जाएंगी, फर्स्ट प्राइज़ सेकंड प्राइज़ ऐसा सबको दिया जाएगा। ये इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो आप लोगों को बताती हूँ, अगर मैं रुकती हूँ थोड़ा टाइम और तो ज़रूर वो भी आप लोगों को बताऊँगी। ये देखिए अब ये सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे खाने लग गए। मैडम ने बोली क्या आप लोग भी खा लो जल्दी से, टाइम हो गया है, आप लोग भी खा। तो सारे बच्चे ये खुद भी खाना खा रहे थे। मैडम ने बोली कि सब बच्चे खाओ वरना खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि खाना वेस्ट मत करना, ज़रा सा भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए सारे ले लेके खा रहे थे। ये देखिए यहाँ पर भी बिरयानी है, मैं बोली ना बिरयानी ही ज़्यादा बना कर लाए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बिरयानी बना कर लाए, मैंने शोएब को भी दी, मैंने बोली ले बेटा तू भी खा और थोड़ा मैं भी खाऊँगी बिरयानी। देखिए सजावट भी अच्छी किए थे बच्चे लोग ने, बहुत अच्छा टेबल सजाए थे, देखिए कितने अच्छे टेबल सजाए हैं। ये देखिए ये शोएब लिया है, मैं बोली तू भी नहीं बोल रहा था नहीं नानी जी अभी ये टाइम में नहीं खाऊंगा, मैंने बोली नहीं खाऊंगा नहीं, अभी यहाँ आया है तो खा ले। फिर उसको भी थोड़ी सी बिरयानी लेकर दी, मैं बोली बेटा दो ये भी खाएगा। ये देखिए माशाल्लाह बच्चे तो किसी को ना नहीं बोल रहे थे, अभी हम लोग खा रहे तो अभी चम्मच ही नहीं था, स्पून नहीं है, तो फिर जाके अंदर से लाकर बच्चे दिए, बोले रुक जाओ आंटी अभी मैं लेके आता हूँ। बहुत अच्छा, बच्चों ने भी बहुत अच्छा सबका ख्याल रखे, सबको बराबर से सर्व किए बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए ये कारा है बिरयानी थोड़ी थोड़ी सी लेके खाने का है, देखना कैसी है क्या है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना, मैंने भी बिरयानी ली, मैंने ला मैं भी लेती हूँ, मुझे भी लगना चाहिए ना कि हाँ भाई मैं भी आई और मैं भी यहाँ पर खाई हूँ। बहुत अच्छा लगा जाके, बहुत अच्छा लगा। I request Sudesh sir to address to us. There are places first. Students should stand on their places. MS public, there that side. Guys, effort by each and every student, those who have participated. All the future chefs, I request you people, you are very much well groomed actually. Okay, so just clap for yourself and nothing else. Okay. Each and every student who have participated, it was one of the best food which I have seen till now.
from the 11th and 12th students. So, all the best for the future, guys. Thank you. I request Jyoti. Dear student, I highly appreciate your efforts and your determination towards this presentation and all. Few students have put more efforts into it. They were having the knowledge. I will suggest them that keep it on. You will be having a good future ahead and all the best. Yes, Ansari ma'am. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. I really like very much. Sir, I have given me such opportunity to come over here and judge your efforts, and I really feel very glad and very happy to see all of your hard workings over here. So congratulations each and everyone. It doesn't matter if you lose or you win. Everybody over here is a winner in your own hard working. And best of luck for your future. Thank you so much. Thank you. I will just take your 10 minutes. We are just waiting because I feel judges should know the result and students should feel better when the trophy goes. There is one trophy that is first place, two trophies is for second, and four trophy for third place and medal. Aur dusri baat, sir, mere college ma'am, mere college ke parents bhi aise hain ki उन्होंने अकेले पार्टिसिपेट नहीं किया. मैंने कहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके आना, तो उन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके आए. साथ में आप देख सकते हैं कई ग्रैंड मदर वहां पे बैठी भी है. और रही बात कि ये बच्चे ट्रॉफी के लिए कभी नहीं करते, पार्टिसिपेट करने के लिए कहते, क्योंकि अगर कल इनके फ्यूचर में ऐसा समय आए कि हमें हॉस्टल लाइफ में जाना है कुछ कोर्स करने, तो ये मेरे बच्चे किचन में 2 मिनट में खाना बना देंगे. और रही बात, हर वक्त हम कहते हैं स्पीच में, लड़कियां आगे आओ कुकिंग में, आजकल के इसमें लड़के आगे आ चुके. और इसलिए मगर आज ने और टीचर्स, क्लास टीचर्स ने बहुत एफर्ट्स लिया है, कल्चरल कमेटी ने, सभी टीचर्स ने, सभी स्टाफ में, सभी ना हो कि जजेस उनके टीचर्स होंगे तो फिर पार्शलिटी होगी. और आप सब एक है. सो 3 चीयर्स फॉर एवरीवन. हे बेन, हे बेन, हे बेन. स्टील अक्सामी से दे आर कंफ्यूज, टाई हो रहा है, देख रहे पेरेंट्स के साथ मनाए क्योंकि उनके साथ हमारी पल बहुत कम होते हैं. और मेरे 12th के बैच के 24 में जाने वाले बच्चे, we are going to miss you so much. Your presence are going to, I think, पता नहीं कि आपका जब फेयरवेल होगा तो मुझे बाल्टी लाना पड़ेगा रोने के लिए. ओके, नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है. सो वी आर वेटिंग फॉर रिजल्ट एंड द रिजल्ट इज, आई थिंक शी इज द ग्रैंड मदर द वर्ल्ड. और वो कुछ कह रहे अपने कुछ नहीं देखे, बोला पंचायत कुछ नाम पड़े नहीं लिखे, हमारे बच्चे आगे बढ़े. और एक ग्रैंड मदर है. अस्सलामुअलैकुम. देखिए माशाल्लाह, आप उनका गुजार बेहतर है, हमारे बच्चे बेहतर है. अल्लाह ताला हमारे छोटे बड़े हर बच्चों को कामयाब करे. आपको कैसे लग रहा है, आपके पोती या पोता है नवासी है? अल्फिया हमारा नवासी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा. अच्छा ये बताइए मुझे, आपकी बहू अच्छी है या सास? नहीं, हमारे माशाल्लाह सब अच्छे. ओके, मुझे ये देखना था कि ग्रैंड मदर के लिए सबसे बड़ा हीरा उनके पोता पोती होते हैं. आज भी ग्रैंड मदर के पास और एक ग्रैंड मदर है, आइए आना है, आइए आप स्टेज पर. और एक आए हैं, कौन चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपको खाने में? सब कुछ अच्छा लगता है. सब कुछ, बेटा बेटी क्या थे? अच्छा बता, कहना है मेरे बेटी बेटी नहीं, सभी मेरे बेटे बेटी आए यहाँ पर. आप
अच्छी बताना नॉनवेज में कौन सी चीज पसंद आई? अच्छा सबसे ज्यादा कोई बच्चों को नाराज नहीं करेगा। थैंक यू। नेक्स्ट इज थैंक यू वेरी मच गर्ल्स। टेबल नंबर 7 थर्ड प्लेस टेबल नंबर 7 कम फर्स्ट टेबल नंबर 7 थोड़ा म्यूजिक वाला यस इट इज आईटी सेक्शन वन Yes. 1, 2, 3 Thank you. Table number 12 I request the grandmother here. So you please have a seat. आप और ये जब award जाता है दादी के हाथ से हमला तो याद रहेगा। और ये है टेबल नंबर आइए सब दादी लोग टेबल नंबर 12 दादी जी जे थोड़ा शिफ्ट हो जाए सब चले कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू दादी जी थैंक यू। आप तीनों जलाइए थैंक यू आप लोग जलाइए। थैंक यू बैठ जाइए आप दोनों जन बॉयज गेट डाउन फर्स्ट। लास्ट थर्ड प्लेस गोज टू टेबल नंबर 10 टेबल नंबर 10 और एक जन बाकी है आई यू टेबल नंबर 10 ट्रॉफी लीजिए इतनी खुशी नए साल आप सबको मुबारक हो आने वाला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम प्लीज हैव अ सीट। आई रिक्वेस्ट ज्योति मैम टू गिव सेकंड प्लेस। नाउ ट्रॉफी फॉर द सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस इज फॉर टू टेबल दैट इज टेबल नंबर 1717 टेबल नंबर 17 प्लीज कम ऑन द स्टेज 17 समर मैम यू हैव टू बी देयर बिफोर टेबल नंबर 17 अगेन सेकेंड प्लेस गोज टू टेबल नंबर 20 टेबल नंबर 20 क्या बात है समर मैम कई क्लास रखे टेबल नंबर 20 पर टेबल नंबर 20 यस और उसके बाद फर्स्ट प्लेस मैडम टेक असम इस आई नो द टेबल नंबर नो ठीक है चिल्लाना मत ओके। आई रिक्वेस्ट सुरेश सर टू प्लीज कम एंड गिव द फर्स्ट प्लेस। एक मिनट जजिंग का बताना मुझे मैं भूल गया नंबर कहीं गलती से कोई और नंबर ना जाए वही बात है। जरा एक सॉन्ग बजाइए मुझे देखो तो सही बच्चे क्या करते हैं पापा कहते बड़ा नाम करेगा। एंड सब लोग ने टाइम पर एग्जाम की तैयारी करना है एग्जीबिशन फीस भरना भूलना मत ये मैं हमेशा याद दिलाता हूँ। और ये सॉन्ग हमेशा मम्मी आगे नहीं रहती है डैडी भी आगे कई सारे डैडी आए थे आज और ग्रैंडफादर भी थे। सो यार इस सॉन्ग फॉर यू ओनली फॉर 1 मिनट 2 मिनट लगा रहे अब बस कम बैक। हम होंगे कामिया हम होंगे कामिया हम होंगे कामिया।
ये देखिए सर ने कहा बच्चों के लिए गाना बजाओ, तो गाना बज रहा है अभी। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा हमारा, ऐसा नाम करेगा। अब ये गाना तो बज रहा है लेकिन मैं नहीं डाल सकती, मुझे कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं डाल रही हूँ दूसरी म्यूजिक। चलिए हम देखते हैं। प्रेजेंटेशन और हाइजीन था। ओके गॉट द आंसर। सो देयर बिग हैंड, फर्स्ट प्लेस गोस टू अगेन दिस ईयर फॉर ट्रॉफी फॉर बेस्ट चैंपियनशिप आल्सो दे गॉट एंड योर बेस्ट कुकिंग कॉम्पिटिशन। थैंक यू सर, थैंक यू। एमएस कॉलेज का सारा प्रोग्राम मुझे ज़रूर बताना। चलिए अल्लाह हाफिज़।